अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू अर्नी शॉर्ट्स। आज की इस वीडियो शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माय अल्लाह ऑलमाइटी जिसने मुझे स्कैम से बचाया। सेकंडली आई वुड लाइक टू थैंक द स्कॉशा बैंक, उस रिप्रेजेंटेटिव का शुक्रिया जिसने मेरा फ़ोन एक ऑड टाइम के ऊपर उठाया, और ना सिर्फ उसने मेरा फ़ोन ऑड टाइम के ऊपर उठाया बल्कि ही गाइडेड मी इन द राइट डायरेक्शन। नंबर थ्री, आई वुड लाइक टू थैंक द TCS। इस चीज़ के बावजूद कि TCS को काफ़ी सारी मरतबा हजीमत का सामना करना पड़ा है लोगों की जानिब से, दे हेल्प मी रियली अलॉट। व्हेन आई टोल्ड देम द फुल केस, दे कम्प्लीटली कोऑपरेटेड विद मी एंड थैंकफुली आई वॉज सेव्ड फ्रॉम दिस स्कैम। और साथ साथ ये इस बात की एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है कि किसी को भी किसी भी वक्त किसी की भी जानिब से स्कैम का सामना करना पड़ सकता है। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आई विल टेल यू द होल स्टोरी, द कम्प्लीट स्टोरी, फुल स्टोरी विदाउट एनी सेंसर इन टूडेज वीडियो। एंड द एम इज़ कि आप सब लोगों को हकीकत से आशनाई हो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके तो जनाब, मैं अपना बेसिकली आईपैड बेचना चाह रहा था अलॉन्ग विद द एप्पल पेंसिल, एंड द मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस जहाँ पे आप ये सब चीज़ें बेच सकते हैं दैट इज़ OLX। OLX के ऊपर मैंने इसका इश्तिहार डाला, मैंने कहा जी ये चीज़ है ऐसी ऐसी है, मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ, ये इसकी कीमत है। आई गॉट अ कपल ऑफ ऑफर्स बट दे वर नॉट एज गुड एंड दे वर नॉट रियली जस्टिफाइड। बट देन एक मैक्सिको के नंबर से मुझे मैसेज आता है, हेलो हाउ आर यू डूइंग, इज द आईपैड स्टिल अवेलेबल? एंड ऑब्वियसली माय आंसर वाज यस, इट इज स्टिल अवेलेबल। तो उन्होंने कहा जी ऐसा है कि मैं रहती तो मैक्सिको में हूँ और मेरे एक बॉयफ्रेंड साहब हैं वो रहते हैं लाहौर में, और मैं उनको ये आईपैड भेजना चाह रही हूँ बिकॉज द कमिंग संडे दैट इज कमिंग आफ्टर थर्सडे उस दिन उनकी बर्थडे है एंड आई वॉन्ट इट एज अ सरप्राइज फॉर हिम। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी बात है कि आप उनको भेजना चाह रही हैं एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा करें कि आप ये iPad Pro along with its Apple Pencil मेरे बॉयफ्रेंड को आप कुरियर कर दें। मैंने कहा जी ठीक है मैं कुरियर कर देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, आप मुझे एड्रेस भेज दें। शी सेंड मी दी एड्रेस। फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही मुझसे पूछा कि जनाब पेमेंट मेथड क्या होगा, कैन यू एक्सेप्ट द वायर ट्रांसफ़र? नाउ फॉर सम पीपल इट इज़ ऑब्वियसली नॉट वेरी फिजिबल, लेकिन मैं चूँकि खुद वायर ट्रांसफ़र करता रहता हूँ और रिसीव करता रहता हूँ तो मेरे लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आप मुझे वायर ट्रांसफ़र कर दें। उन्होंने कहा जी आप अपना अकाउंट डिटेल्स भेज दें एंड आई सेंड हर माय अकाउंट डिटेल्स। अब बेसिकली तो किसी भी अनजाने आदमी को आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स भेजनी नहीं चाहिए, बट अब फ़ौरन से एक बंदा अपने एक किसी चाहने वाले को एक चीज़ भेजना चाह रहा है तो इसके अलावा कोई ऑप्शन होती नहीं है कि आप वायर ट्रांसफ़र करें। वेस्टर्न यूनियन खैर होती है, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है वायर ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, एंड एनी वे आई एम नॉट डूइंग एनी रॉन्ग प्रैक्टिसेस, तो मुझे कोई ऐसा इशू था नहीं। मैंने कहा जी ठीक है ये मेरी अकाउंट डिटेल्स है आप इनमें भेज दें। शी नोटेड द डिटेल्स। उन्होंने कहा जी आप कब तक ये आईपैड भेजेंगे? मैंने कहा जी आप बताएं आपको कब तक ये आईपैड चाहिए। तो उनका कहना पर ये था कि आप शाम तक भेज दें ताकि ये आईपैड संडे से पहले पहले उनके बॉयफ्रेंड को मिल जाए। मैंने कहा जी ये भी दुरुस्त हो गया, शाम को मैं जब अपने स्टूडियो से निकलूंगा अपना काम खत्म करके तो मैं ये आईपैड आपके एड्रेस पे TCS कर दूंगा जो आपने मुझे कहा है। हाउ विल द पेमेंट बी प्रोसेस्ड? उन्होंने कहा कि जनाब जैसे ही आप TCS करेंगे ना मैं आपको यहाँ से पेमेंट भेज दूंगी। मैंने कहा इट इज़ ऑल्सो फेयर इनफ, क्योंकि पेमेंट आप अब दुनिया के किसी भी कोने से भेजें दो मिनट के अंदर अंदर आपके अकाउंट में आ जाती होती है। मैंने जनाब पूरा आईपैड पैक किया, एप्पल पेंसिल पैक की, सब कुछ मैंने पैक करके रखा, मैं TCS के ऑफिस गया, मैंने TCS के ऑफिस में ये सारा का सारा एड्रेस वहाँ पे कॉपी किया लिखा, और मैंने साथ ही इन खातून को इन्फॉर्म किया कि मैं ऑलरेडी TCS के ऑफिस में हूँ। इनका मुझे जवाब में वापस मैसेज आया, इन्होंने कहा जी मैंने ऑलरेडी आपकी पेमेंट कर दी है आप चेक कर लें। मैंने चेक किया, अकाउंट में पेमेंट कोई नहीं थी। मैंने कहा जी मेरे अकाउंट में तो पेमेंट नहीं आई। कहती आपको ईमेल आई है? मैंने कहा जी मुझे तो कोई ईमेल भी नहीं आई। उसने कहा अच्छा काइंडली आप अपने स्पैम के फोल्डर्स और जंक के फोल्डर्स देख सकते हैं, हो सकता है शायद वहाँ पड़ी हुई हो। मैंने कहा जी मैंने वो फोल्डर्स भी देख लिए हैं, मुझे तो किसी भी किस्म की कोई ईमेल नहीं आई। उन्होंने कहा जी अच्छा आप मुझे अपना डिफरेंट ईमेल आईडी दे दें। मैंने कहा जी ओके दैट इज़ ऑल्सो नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे पता है, मुझे इस चीज़ का इल्म है कि हॉटमेल और याहू के ऊपर काफ़ी सारी ईमेल्स बड़ी मुश्किल से पहुँचती हैं। मैंने अपना जीमेल का आईडी दे दिया, जीमेल के आईडी के ऊपर मेल आ गई स्कोशा बैंक की तरफ से। स्कोशा बैंक की तरफ से रेफरेंस नंबर मौजूद था, पेमेंट की अमाउंट मौजूद थी, कंप्लीट डिटेल्स मौजूद थी कि जनाब ये पेमेंट आपके क्लाइंट ने ऑलरेडी कर दी है, और जब आपकी रिसीप्ट हमें मिलेगी TCS की कि आपने ये चीज़ भेज दी है, और जब TCS के वेबसाइट के ऊपर आपकी शिपमेंट अपडेट होगी हम ये अमाउंट इमीडिएटली क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर याद रखिएगा जोर जो है वो इमीडिएटली क्रेडिट करने के ऊपर है। एंड एज विद एवरी अदर ई मेल जो कि मुझे मिलती है, शुरू की मैंने बस कुछ थोड़ी बहुत पढ़ी। मैंने कहा ओके ठीक है यार यूजुअल सी ई मेल है, इसमें कोई खास चीज़ तो है नहीं। मैंने वो शिपमेंट TCS के हवाले कर दी, और साथ में मैंने इन खातून को भी मैसेज कर दिया। मैंने कहा जी आपकी जो पेमेंट है जो शिपमेंट है वो मैंने ऑलरेडी TCS के हवाले कर दी है।
मैंने इनको फिर दोबारा मैसेज किया, मैंने कहा मैंने शिपमेंट उसके हवाले कर दी है, मैंने रसीद भी भेज दी है, पेमेंट तो मेरे पास नहीं आई। उन्होंने कहा कि जनाब जब ये TCS की वेबसाइट के ऊपर अपडेट होगा ना कि द आइटम इज इन ट्रांसिट तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। अब यहाँ तक भी कहानी ठीक है, यहाँ तक भी मुझे किसी किस्म का कोई खास शक नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा मुझे फील हो रहा था, मैंने कहा थिंग्स आर नॉट गेटिंग इन द राइट डायरेक्शन। मैंने इस मौके पर किया क्या कि मैंने TCS के वहाँ पर जो हज़रत थे, अगेन उन्होंने कहा है कि मैं उनका नाम ना लूँ इसलिए मैं ऑब्वियसली उनका नाम नहीं ले रहा, बट ही वॉज़ अ वेरी कोऑपरेटिव गाय। मैंने उनको पूरी की पूरी कहानी सुनाई और दास्तान बताई, और साथ ही साथ मैंने उनको कहा ये, मैंने कहा भाईजान जब तक आपको मैं ना ना कहूँ आपने ये पार्सल आगे शिप नहीं करना। तो TCS वाले जो भाई थे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कोऑपरेट किया, उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा ठीक है जनाब ये मेरा पर्सनल नंबर है आप अपने पास रखें, जब आप मुझे कहेंगे कि ठीक है जनाब ये अगली गाड़ी को आप हैंड ओवर करते हैं जिसने डिस्पैच लेके जाना है तो आपका ये आईपैड मैं उसको हैंड ओवर कर दूंगा। मैंने तकरीबन 2 घंटे इंतज़ार किया, आई वेटेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स एट TCS, लेकिन TCS का ऑनलाइन सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा था। मैंने TCS को कॉल की, उनके नंबर पर मैंने कॉल की, मैंने कहा जी ये शिपमेंट आप प्लीज़ अपडेट कर दें। तो उन्होंने कहा कि सर ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, इट कैन यूजुअली टेक फ्रॉम 2 आवर्स अप टू एट एज मच एज 6 आवर्स। हेल्पलाइन पे मैंने कॉल की थी 2 बार, दोनों बार मैंने उनको बताया यही, मैंने कहा प्रॉब्लम ये है कि जब ये ऑनलाइन आपका सिस्टम अपडेट होगा तो मेरी पेमेंट रिलीज होगी, अगर शिपमेंट गाड़ी में निकल गई तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूँगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई केप्ट ऑन वेटिंग अंटिल अराउंड 9:15 एट नाइट और सिस्टम पे अपडेट नहीं था हो रहा। मैंने TCS से अगेन ये बात डिस्कस की, मैंने कहा फॉर एग्जांपल अगर किसी भी वजह से आपकी गाड़ी ये शिपमेंट लेके निकल जाती है देन व्हाट आर माय चांसेस, एंड दे टोल्ड मी कि हाँ जी ये शिपमेंट यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, एंड दे वर वेरी गुड एनफ टू प्रोवाइड मी द कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ एवरीवन। और उन्होंने कहा जी सुबह 10 बजे आपकी शिपमेंट की डिलीवरी है, उससे पहले आप जब भी हमें फ़ोन करके कहेंगे ना कि ये आइटम आपने डिलीवर नहीं करना, हम उस आइटम को वहीं स्टॉप कर देंगे। देन आई रिक्वेस्टेड देम वन मोर थिंग, मैंने कहा जी आप एक काम करें, आप इस शिपमेंट की जो डिलीवरी है ना उसको डिले कर दें, सुबह 10 बजे की बजाय शाम को 5 बजे का कर दें, एंड दे वर गुड एनफ, दे वर सो गुड के यार उन्होंने ये भी कर दिया। उन्होंने कहा जी ठीक है सुबह 10 बजे से हम चेंज करके शाम के 5 बजे का टाइम कर देते हैं। बहरहाल ये सब कुछ करके मैं वापस अपने घर आया, घर में बैठा हुआ मैं खाना खा रहा था, बिकॉज इस सारे पंगे की वजह से मेरा उस दिन खाना भी लेट हो गया, रात के 9:30 बजे कौन डिनर करता है रात के 9:30 बजे। बहरहाल मुझे रात को 9:30 बजे में बैठा हुआ डिनर कर रहा था, मैंने कहा कि चलो TCS की वेबसाइट पे दोबारा देखते हैं अपडेट हुई शिपमेंट की नहीं हुई, एंड इट वॉज अपडेटेड। मैंने सेम टाइम वो स्क्रीनशॉट उठा के इन खातून को भेजा, मैंने कहा जी शिपमेंट की डिटेल्स अपडेट हो गई हैं, वेयर इज़ माय पेमेंट। अब जनाब इनकी बातें आगे से वही शुरू हो गई कि आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, मैं आपको अपना मैक्सिकन आइडेंटिटी कार्ड भेज सकती हूँ, ये भेज सकती हूँ, वो भेज सकती हूँ। मैं कहा बीबी हर बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, मुझे आप ये बताएं कि बैंक अब क्या कह रहा है, अब तो शिपमेंट अपडेट हो गई है ना। 2 या 3 मिनट बाद गालिबन इनका मुझे मैसेज आया कि आपको एक ईमेल भेज दी गई है, आप चेक कर लें इसमें प्रोसेसिंग डिटेल्स होंगी। अब नाउ दिस वर्ड प्रोसेसिंग डिटेल्स इज अगेन फिशी, इट इज़ डाउटफुल। क्यों? क्योंकि आप अपनी पहली मेल में मुझसे ये वादा कर चुके हैं कि जैसे ही शिपमेंट की डिटेल्स अपडेट होंगी आप इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर देंगे, जोर इमीडिएटली पे था, और ये वर्ड्स इतने कन्विंसिंग होते हैं ना कि आप इनके नीचे नहीं जाते होते। तो मैंने कहा भी क्या प्रोसेसिंग डिटेल्स, अब आप मुझे जो कह रही हैं कि प्रोसेसिंग डिटेल्स, व्हाट प्रोसेसिंग डिटेल्स, इट हैज़ टू बी क्रेडिटेड टू मी इमीडिएटली नाउ। आपकी डिटेल्स उनके पास हैं, मेरी डिटेल्स उनके पास हैं, शिपमेंट की डिटेल्स उनके पास हैं, ऑलरेडी ये चीज़ जो है वो अपडेट हो चुकी हुई है, व्हाट प्रोसेसिंग डिटेल्स। एनीवे मैंने ईमेल खोली एंड अगेन दिस मेल केम इन माय स्पैम फोल्डर। मैंने कहा ये क्या कहानी है, फिर दोबारा स्पैम फोल्डर में, और इस बार मैंने मेल को ज़रा गौर से पढ़ा और उसमें लिखा ये हुआ था कि जनाब हम कंफर्म करते हैं कि आपकी शिपमेंट की डिटेल्स वगैरह सब अपडेट हो चुकी हैं और फ्लान धमाका और सब कुछ, हम 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देंगे। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे, क्यों? मैंने तो शिपमेंट भेज दी ना, शिपमेंट चली भी गई, ट्रैकिंग नंबर ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो गया, अभी भी आपको 24 से 48 घंटे चाहिए। मैंने फ़ौरन इसको मैसेज किया 2-3, मैंने कहा यार ये बात गलत है, अब 24 से 48 घंटे क्यों, पहले तक बात दुरुस्त थी अब ऐसा क्यों है। अब मैंने कहा कि जी अब जितनी भी चीज़ें मैंने नहीं की ना, जितने भी काम मैंने नहीं किए, मैंने कहा मुझे फटाफट, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, मुझे वो करना चाहिए। सबसे पहले मैंने TCS को कॉल किया और अगेन ही वो सो हेल्पफुल, उन्होंने कहा जाहिद भाई अभी अभी गाड़ी आई है, अभी तो कोई भी शिपमेंट गई नहीं है, आपको अपनी शिपमेंट वापस चाहिए तो आप फ़ौरन आए और आके ले जाएं। मैंने कहा जी मैं अभी पहुँच रहा हूँ आपके पास। मैंने फ़ौरन अपनी गाड़ी निकाली एंड आई वेंट स्ट्रेट टू द TCS। रास्ते में जाते जाते स्कॉशा बैंक का ऑलरेडी नंबर मैं निकाल चुका था, मैंने स्कॉशा बैंक को सीधा कॉल किया, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे है, ये ट्रैकिंग आईडी नंबर है जो मुझे प्रोवाइड किया गया है, आपके बैंक की तरफ से ईमेल आई है। तो उसने कहा कि जाहिद साहब
ये जो ट्रैकिंग नंबर आप बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ऐसा काम करते ही नहीं हैं कि हम अपने कस्टमर से पेमेंट ले लें, उसको होल्ड पे रखें, फिर आप हमें एक शिपमेंट डिटेल भेजें, उसको हम वेरीफाई करें और फिर वो पूरी की पूरी पेमेंट आप तक भेजें। हम ये काम करते ही नहीं हैं, एज सिंपल एज दैट। मैंने कहा लो भाई शुक्र है बच गए। इमीडिएटली माई नेक्स्ट स्टेप वॉज कि मैंने ये जो दोनों के दोनों फ़ोन नंबर्स दिए हुए थे इन खातून ने अपने बॉयफ्रेंड के, मैंने इन दोनों नंबर्स पे कॉल किया एंड बोथ ऑफ देम वर स्विच्ड ऑफ। और फिर आगे जो मेरी और उनकी कन्वर्सेशन चली दैट इज़ अनदर हिस्ट्री। उसके बाद जनाब आगे वो रो रही हैं, जनाब मुझे अपने बॉयफ्रेंड को शिपमेंट भेजनी थी और ये करना था और वो करना था, यू शुड ट्रस्ट मी, मैं आपको अपनी मैक्सिकन आईडी भेजती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ। और फिर मुझसे बगैर पूछे उन्होंने मुझे अपना मैक्सिकन आइडेंटिफिकेशन भेज दिया। अब आप पूछ रहे होंगे यार ये तो बात अच्छी हो गई। नहीं, मुझे ऑलरेडी स्कैमर्स के बारे में इल्म है, आई नो कि ऑनलाइन स्कैम्स किस तरह से होते हैं, और ऑनलाइन स्कैम्स जब हो रहे होते हैं तो उसमें ये आइडेंटिटी कार्ड और ये सब चीज़ें दे आर कम्प्लीटली इररेलेवेंट। आप सोचोगे इररेलेवेंट कैसे हैं? इररेलेवेंट ऐसे हैं जनाब कि ये जो स्कैमर्स होते हैं जिनके पूरे के पूरे ग्रुप्स बैठे होते हैं, इन्होंने ऑलरेडी मुख्तलिफ जगहों से बहुत सारे आइडेंटिटी कार्ड्स इकट्ठे किए हुए होते हैं, इनके पास ख़वातीन भी होती हैं, मर्द भी होती हैं। यू कैन नेवर नो कि जिस नाम से मुझसे बात की जा रही है वाकई ये नाम उसी खातून का है जिसका ये आइडेंटिटी कार्ड भी है कि नहीं है। तो उनका आइडेंटिटी कार्ड भेजना या ना भेजना एक बराबर है, पता नहीं किस बेचारी का वो आइडेंटिटी कार्ड होगा जिन्होंने मुझे उठा के भेजा। एंड देन शी स्टार्टेड आस्किंग मी फॉर माई आइडेंटिटी कार्ड ऑल्सो। मैं आपको अपना आईडी कार्ड क्यों भेजूँ? ये मेरा आईडी कार्ड आप यूज़ करके फिर किसी और को स्कैम करेंगे। सो आई ऑब्वियसली डिड नॉट सेंड माई आइडेंटिटी कार्ड। जब इन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड मुझे भेज दिया और उन्होंने कहा जी अब आप मुझ पर ट्रस्ट करें, मैंने कहा जी नहीं, मैं आप पर ट्रस्ट तब करूँगा जब आप एक काम करें, आप अपना ये आइडेंटिटी कार्ड अपने हाथ में रखें, बिकॉज आई नो आपके पास इसकी फ़ोटो है, आपके पास ये कार्ड नहीं है। ये खैर मैंने अपने दिल में सोचा, उसको नहीं कहा। मैंने कहा आप अपना आईडी कार्ड अपने हाथ में रखें, और मैंने कहा आप जो मुझे अभी तक ऑडियो कॉल्स कर रही हैं ना, वो आप मुझे ऑडियो कॉल्स मत करें, आप अब मुझे वीडियो कॉल करें। आई मेड अ वीडियो कॉल टू हर एंड टू माई एंटायर सरप्राइज उनकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक थी। मैंने अपना बैक कैमरा ऑन किया हुआ था जिसमें मेरा वॉशरूम नज़र आ रहा था, तो वो कहती जाहिद आई कैन नॉट सी यू, मुझे तुम्हारा खाली वॉशरूम नज़र आ रहा है। मैंने कहा मुझे भी तुम नज़र नहीं आ रही भाई, तुम कहाँ पे हो? तो कहती है जनाब कि मेरा आईफोन गिर गया था, उसका कैमरा ख़राब हो गया था, कैमरा अब काम नहीं कर रहा, मैं बात नहीं कर सकती। मैंने कहा बीबी इसके तीन कैमरे हैं आईफोन 10 के। मैंने कहा फ्रंट काम नहीं कर रहा, बैक तो काम कर रहा है, मैंने कहा उससे बात कर लो। एंड देन शी रिप्लाइड मी थ्री ऑफ व्हाट। मैंने कहा यार ये काम ख़राब है, इसको यही नहीं पता कि आईफोन के तीन कैमरे होते हैं, और इसको ये भी नहीं पता कि आईफोन के तीनों कैमराज में से किसी भी कैमरा से आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, और ये मेक्सिको में बैठी हुई है। मैंने कहा मुझे बेवकूफ़ बना रही है। देन आई वेंट थ्रू द ईमेल अगेन एंड टू माय सरप्राइज एंटायर सरप्राइज आई फाउंड वन मोर मिस्टेक ऑफ माइन। शुरू में जो ईमेल्स आई वो मैंने इनिशियली थोड़ा सा पार्ट पढ़ने के बाद में नीचे गया ही नहीं। कोई भी बैंक आपको ऐसी ईमेल नहीं करता जिसके नीचे उसके कॉन्टैक्ट नंबर ना दिए हुए हों, उसका हेल्पलाइन का नंबर ना दिया हो। किसी भी ईमेल के नीचे हेल्पलाइन का या कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद नहीं था। एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैंने पहली बार मैंने ये एक्सप्लोर किया कि यार मैं ये देखूँ ये मुझे ईमेल जो आई है ये आई किस आईडी से है, क्योंकि आईडी हमें से कोई भी नहीं देख रहा होता। और जब मैंने उसको टच किया तो स्कॉशा बैंक एट कैलिफोर्निया ईमेल, एट कैलिफोर्निया ईमेल कोई भी बैंक ऐसे नहीं करता। अगर बैंक इस्लामी है तो एट बैंक इस्लामी आता है, एट MCB आता है, एट अल्फला आता है, एट स्टैंडर्ड चार्टर्ड आता है। एक बैंक की ईमेल एक किसी तीसरी पार्टी के सर्वर से क्यों आएगी? इट इज एंटायरली स्टूपिड। और इस पर गौर मैंने नहीं किया। और फाइनली जो लास्ट ईमेल उसकी आई थी वो तो जीमेल की आईडी से आई हुई थी। दैट इज अगेन अ मार्कर दैट क्लियरली शोज यू कि भाई ये ईमेल ऑलरेडी है ही फ्रॉड। कोई बैंक ऐसे नहीं करता कि वो अपने बैंक के सर्वर की बजाय जीमेल के सर्वर से ईमेल भेजे, किसी और के सर्वर से ईमेल भेजे। तो यार गलती तो मेरी थी, ये गलती तो उसकी नहीं थी, दुनिया तो बैठी हुई आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। फिर मैंने जनाब उनके बॉयफ्रेंड के नंबर के ऊपर दोबारा कॉल्स की और उनके नंबर अगेन बंद जा रहे थे। और फिर फाइनली मैंने उनको बोला, मैं कहा देखो यू आर अ स्कैमर एंड आई एम नाउ 100% श्योर कि यू आर अ स्कैमर, क्योंकि जो क्लासिक मार्कर्स होते हैं जिनको मैं अभी तक इग्नोर करता हुआ आ रहा था, आपकी तमाम की तमाम कम्युनिकेशन में वो तमाम के तमाम मार्कर्स मौजूद हैं। और आप लोग भी इस बात को बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनिएगा कि ये तमाम के तमाम मार्कर्स हैं क्या। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्होंने मुझे कहा जी उनका एक फ्रेंड है जो कि यहाँ लाहौर में रहता है जिसके पास मैंने ये शिपमेंट भेजनी है। यहाँ तक बात दुरुस्त है। देन शी सेड के ही इज़ अ पाइपलाइन इंजीनियर। एक पाइपलाइन इंजीनियर लाहौर में क्या कर रहा है? अगर वो मुझे कहती कि गैस के पाइपलाइन का इंजीनियर है तो मैं मान लेता, बिकॉज पाकिस्तान में गैस के पाइपलाइन का तो काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड।
लेकिन उसके अलावा अगर आप ऑयल की पाइपलाइंस की बात करें, पाइपलाइन इंजीनियर यूजुअली यहाँ जिसको कहा जाता है ना, वो दैट इज़ ऑयल का पाइपलाइन इंजीनियर। तो यूजुअली जिस पाइपलाइन इंजीनियर की आप बात करते हैं और यूजुअली जिस टर्म्स में उसको रेफर किया जाता है, वो तो सारी की सारी बलूचिस्तान सिंध और वहाँ से गुजर रही है। उनका लाहौर में क्या काम है? लाहौर में तो कोई तेल की पाइपलाइन नहीं आ रही सिवाय PSO VSO के दो चार छोटी मोटी पाइपलाइंस के। व्हाट इज़ ही डूइंग इन लाहौर? गैस का पाइपलाइन इंजीनियर तो है नहीं, पर मैंने इसको इग्नोर किया। मुझे इंक्वायरी करना चाहिए था कि कैडी पाइपलाइन बीबी, कौन सी पाइपलाइन इंजीनियर है ये। फिर मैंने उससे पूछा कि किस कंपनी में काम कर रहा है, उन्होंने मुझे वो भी नहीं बताया। आई इग्नोर दैट एज वेल। देन व्हेन आई सेड टू हर, मैंने कहा तुम फिक्र मत करो, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड की बर्थडे है और तुम चाहती हो कि मैं ये TCS के जरिए उसको भेजूँ, तो मैं खुद उसको जाकर दे आता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, आपने नहीं जाना, ना आपने फ़ोन करना, इट इज़ अ सरप्राइज। अब मैंने कहा कि चलो ठीक है, सरप्राइज़ के मामले में चलो क्या करें, सरप्राइज इनका जाने देते हैं, जैसे भी जाने देते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये एक के बाद एक चीज़ ना पुराने में ऐड होती जा रही है, और मैं इन सबको एक एक करके इग्नोर करता जा रहा हूँ। अभी तक जब रात को TCS के अंदर अपडेट नहीं हो रही थी शिपमेंट, तो मैंने इसको कॉल किया, मैंने कहा जी ऐसा करता हूँ, मैं अपनी शिपमेंट अभी विथड्रॉ कर लेता हूँ, सुबह 8 बजे मैं आके और ये शिपमेंट दोबारा TCS को दे दूंगा, नया ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा, नया ट्रैकिंग नंबर हम अपने बैंक को दे देंगे, शिपमेंट की डिटेल्स अपडेट हो जाएंगी, ट्रैकिंग नंबर अपडेट हो जाएगा, पैसे मेरे पास आ जाएंगे, शिपमेंट आपके पास चली जाएगी, आपको तो संडे तक चाहिए ना, आपको मिल जाएगी शिपमेंट। तो शी केप्ट ऑन प्रसिस्टिंग एंड शी केप्ट ऑन सिस्टिंग कि नहीं, शिपमेंट मत विड्रॉ करना, मैंने पेमेंट ऑलरेडी कर दी है, वो पैसे मुझे वापस नहीं मिलेंगे, वो पैसे चले गए हैं बैंक में, वो कभी मेरे पास वापस नहीं आएंगे। मैंने दुनिया का ऐसा कोई बैंक नहीं देखा जो ऐसा करता हो, और मैंने फ़ोन पे उसको पहली बार यही कहा। मैंने कहा देखो खातून, देखो बीबी, ऐसे नहीं होता होता। मैंने खुद हजारों मरतबा पैसे पाकिस्तान से बाहर भेजे और मंगवाए हैं, अगर वो पैसे आपका रिसीवर रिसीव नहीं करता तो वो पैसे सेंडर को वापस आ जाते हैं जिसने पैसे भेजे होते हैं। Maria, see again, it's not about the trust. I just want to understand the process. It's not about the trust. I just want to understand the process because I've made electronic payments as well. My brother lives in Australia and I've been doing things like that. You know, the same thing that you have done over here. And it has happened a couple of times that the things could not be verified, but the payment was always refunded, always. So, I mean, how, why? It is your money. You've paid it to someone. They will credit it to me only once they verify the things. Suppose they have been unable to verify. So where will the money go? It's obviously not going to come back to me. So it has to be returned to its, you know, rightful owner. That's what my understanding is. दरमियान में पैसे कहीं भी उड़ के हवा में खला में नहीं जा सकते, और कोई भी बैंक ऐसा नहीं होता जो ये कहे कि जनाब सेंडर ने पैसे भेजे, रिसीवर रिसीव नहीं कर रहा, तो चलो हम अपने पास रख लेते हैं। ऐसे नहीं करता कोई भी। आई इग्नोर दिस मार्कर ऑल्सो, एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट जो मुझे पहली ईमेल आई थी उसमें ना नीचे आपके कस्टमर केयर का एड्रेस है, ना उसकी आईडी है, ना कोई भी रेलेवेंट डिटेल्स हैं, बट मैं उस ईमेल में नीचे गया ही नहीं, मैंने नीचे जाके वो मेल देखी ही नहीं। देन अनदर मार्कर, और जहाँ तक बात रही नाम की और आइडेंटिटी कार्ड की, तो उसके ऊपर तो मैंने वैसे भी ट्रस्ट नहीं था किया, और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि भाई आप लोगों ने भी ट्रस्ट नहीं करना। इनके पास हज़ारों आईडी कार्ड्स होते हैं, या आपको कोई भी आईडी कार्ड भेज सकते हैं। अगर कोई ऐसी भी बात हो तो आप बोलें जनाब ठीक है, आप जो ये आइडेंटिटी कार्ड दिखा रही है ना, मुझे सब कुछ कर रही है, मुझे कॉल करें, मेक मी अ वीडियो कॉल, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। डोंट ट्रस्ट ऑन दी आइडेंटिटी कार्ड्स। बट एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि चाहे बेशक आखिर में ही आके मुझे सेंस आई हो और समझ बूझ आई हो, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी कि मुझे आखिर में आके समझ आ गई। और आखिर में मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि जब ये फ़ोन पे खातून ज़्यादा रोना धोना शुरू कर दिया ना कि जी मेरा दिल टूट गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, और आपने ऐसे कर दिया और आपने वैसे कर दिया, आपने मुझे स्कैमर बोला, मैं स्कैमर नहीं हूँ। मैंने कहा ओके, आपके बैंक के मुताबिक मुझे 48 आवर्स में पैसे मिल जाने चाहिए, 48 आवर्स पूरे हो रहे हैं संडे को, अगर मुझे संडे तक पैसे मिल जाते हैं आईपैड आपका है, मैं खुद जाके इस एड्रेस पर देऊँगा, लेकिन अगर मुझे संडे तक पैसे नहीं मिलते तो ये आईपैड फिर आपको नहीं मिल सकता। और आज मंडे आ गया है, टुडे इज़ मंडे, पैसे नहीं आए। This was, this is a scam. And I am really, really, really hopeful कि इस पूरी की पूरी स्टोरी में आपको उन सब मार्कर्स का भी पता चला होगा कि जिनको बुनियाद बनाकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको स्कैम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। कभी किसी के आइडेंटिटी कार्ड पे जो ऑनलाइन आपके पास आए उस पे ट्रस्ट मत कीजिए। आस्क हिम और हर टू मेक अ वीडियो कॉल टू यू टू सी द रियल फेस कि असली बंदा कौन है। सेकेंडली, जब भी कोई ईमेल आए तो उसको वेरीफाई करें कि वाकई वो उसी बैंक से, उसी इंस्टीट्यूशन से आई है या नहीं आई जहां का क्लेम किया जा रहा है। थर्डली, ईमेल के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स ढूंढें, अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स मौजूद हैं तो द ईमेल इज़ फेक।
अगर नीचे आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं जिनमें के बैंक के कॉन्टैक्ट नंबर्स मौजूद नहीं है, कस्टमर केयर मौजूद नहीं है, दी मेल इज़ फेक. और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए होते हैं, उन नंबर्स के ऊपर आगे से बंदा फ़ोन भी उठाता है, बट दोज नंबर्स आर फेक. जिस इंस्टीट्यूशन का हवाला दिया जा रहा है उस इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पर जाएँ, वेबसाइट पर जाके उनका कस्टमर केयर का नंबर देखें और सीधा आप वहाँ कॉल मिला के उनको ये बताएं कि जनाब मेरे पास ये ईमेल आई है और ये ईमेल ऐसे ऐसे कह रही है, बताएं आपकी है या नहीं है. वेरीफाई ईच एंड एवरीथिंग बिफोर यू गेट स्कैम्ड. और एक और चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने इनके फ़ोन नंबर के ऊपर सेलुलर कॉल भी की है बट नोबडी पिक्ड अप. और फिर बाद में जब मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा मैंने कॉल की तुमने उठाई नहीं, कहती हैं जी मेरे पास तो कॉल आई नहीं. मैंने कहा ओके मेरा नंबर तो है तुम्हारे पास, मुझे कॉल करो. शी कुड नॉट कॉल मी बिकॉज मोस्टली ये नंबर्स फेक यूज हो रहे होते हैं, दे आर नॉट रियल नंबर्स. सो विद ऑल द प्रेयर्स कि आप लोग सेफ रहें, इन तमाम मार्कर्स को, इस तमाम इन्फॉर्मेशन को आप आइंदा फ्यूचर में किसी अच्छे मकसद के तहत इस्तेमाल कर सकें या आपके किसी काम आ सके. आई रियली होप कि आप लोग इंशाल्लाह सेफ रहेंगे. दैट वॉज प्रीटी मच टुडेज़ वीडियो एंड आई एम सो थैंकफुल टू माई ऑलमाइटी अल्लाह जिसने कि मुझे स्कैम से बचाया. एंड आई होप कि आप लोग भी इंशाल्लाह कभी स्कैम ना हो. एंड विथ टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. विद लॉट्स ऑफ लव, यू आर वॉचिंग ऑरेंज शॉर्ट्स. आई एम ज़ाहिद निसार. अल्लाह हाफिज़.